नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी स्कूल्स में। मेरा नाम है प्रियंका और ये वीडियो विशेष रूप से सी टेट या अन टेट से संबंधित है। तो अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारे चैनल पर फिलहाल एनसीईआरटी बुक कवर कराई जा रही है, जो सी टेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये लेशन है और ये लेशन है ईवीएस क्लास 5 का लेशन 4। इस लेशन का नाम है खाए आम बारहो महीने। ठीक है, इससे पहले ये क्लास 3 और 4 का ईवीएस और मैथ मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे कृपया जाएं और वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो ये मैं लेशन 4 लेके चल रही हूँ, 1 से लेके 3 तक भी मैं कवर करा चुकी हूँ। और पिछला वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, वही मैं सिर्फ कवर कराऊंगी। बाकी जो है बच्चों के लिए दिया गया था उसे मैं स्किप करते जाऊंगी, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीटेट पे है। तो चलिए, ये जो है कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मैं भिंडी लाई हूँ, नीतू आलू की सब्जी लाई है। नीतू को लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गया है। ठीक है, इस पर कुछ चर्चा दिया गया है कि आखिर भोजन जो है आखिर खराब क्यों हो जाता है और कब खराब होता है, कितनी देर में खराब होता है, यही चीज के बारे में दिया गया है। नीचे पढ़ते हैं जो टीचर के लिए संकेत दिया गया है, यही पेडागोजी है, इसलिए मैं इसे कवर जरूर कराती हूँ। इस पर क्वेश्चन मैं जरूर लेके आऊंगी, जिससे आपका जितने डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शिक्षक के लिए संकेत जो दिया गया। खाना कब कब खराब होता है, बच्चों के अनुभव से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की जरूरत है। पाठ में ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करके 6 दिन तक चलाना है। ठीक है, ये जो नीचे दिया गया है ब्रेड की कैसे खराब होता है क्या, इसके बारे में दिया गया है। 6 दिन तक इसको चलाने के लिए बोल रहा है। बिजी ने लाई ब्रेड, यहाँ पे दिया गया है कि एक औरत है, बाजार से ब्रेड खरीदती है और जब दुकानदार पैकेट देता है तो उसे वो लौटा देती है। आप देख सकते हैं फिगर में क्यों लौटाई थी, यही यहाँ पे फिर नीचे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे जो शिक्षक के लिए संकेत दिया गया है इसे हम पढ़ लेते हैं। अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें। ब्रेड सूखी ना हो, कमरे में हवा हो। तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चे से रोज भरवाएं। ठीक है, खाना कैसे होता है खराब, ये चीज़ दिया गया है। प्रयोग पूरी कक्षा में मिलकर यह प्रयोग जो है यहाँ पर दिया गया है, पूरी कक्षा में मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन बाद ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना आ जाए। दी गई तालिका को चार्ट पर बनवाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। ठीक है, देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्या करा रहा है, बच्चे को खुद से करने के लिए मौका दे रहा है और इसी से बच्चा सीखेगा। ठीक है, यही पैडागोजी है। क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप नोट करते जाइएगा जो मैं बोलूंगी। नीचे पढ़ते हैं, अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो जाता है उनकी सूची बनाओ। ठीक है, बच्चों को दिया गया है, संकेत पढ़ लेते हैं। बच्चे जब भी इस कक्षा में करें, उन्हें प्रयोग के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ें का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। ठीक है, जो खाने की चीज़ है उनको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे मैं मिलान कर दे रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है दिया गया है दूध। दूध को क्या करते हैं हम लोग ज़्यादा दिन तक रखने के लिए, उबालते हैं। पके हुए चावल, ठीक है, पके हुए चावल को हम क्या करते हैं, एक कटोरे में पानी के बर्तन में रखते हैं, पानी डालकर उसमें रख देते हैं। हरा धनिया को क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। और प्याज लहसुन को क्या करते हैं, हम खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। नमी का मतलब है सूखा जगह, जहाँ पे रिसाव ना हो, किसी प्रकार के गीलापन ना हो। ठीक है, तो प्याज लहसुन को क्या करते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, यानी ड्राई प्लेस पे इसे रखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसे आप नोट कर लीजिएगा, सीटेट में आता है।
यहाँ पे कुछ कहानी जैसा दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में, इसलिए आप इसे जरूर नोट कीजिएगा। मैं बताऊंगी जहाँ नोट करना है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। आत्रेयपुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, इसे आप नोट कीजिएगा। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। ठीक है, अचार को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं? अचार बना के, पहला हो गया। और दूसरा भी आगे दिया गया जिसे आप नोट कर लीजिएगा। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामड़ी तांडड़ा यानी जिसे हम आम पापड़ कहते हैं बनाओ ना। तो मामड़ी तांडड़ा कहाँ बनता है? तो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम में, इसे आप ही नोट कर लीजिएगा। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करो तो ही हम सब मिलकर मामड़ी तांडड़ा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैज्यूरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद के ले आए। तो ये जो मटेरियल है इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आप स्क्रीनशॉट फिलहाल ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। इसलिए तो मामड़ी तांडरा बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया है कुछ, चूँकि बच्चों को फिगर के जरिए रोचक लगता है ना बुक, इस कारण यहाँ पे दिया गया है, जो इसे पढ़ लेते हैं। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी मिलकर आम का गुदा निकालकर फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गुदे में आम के रेशे न रहे। ठीक है, यही बात कह रहा है, इसलिए ताकि अगर रेशा रह जाता है तो रेशे के जरिए वो खाने में उतना बढ़िया नहीं लगेगा, इसलिए रेशे निकालने के लिए वो क्या करते हैं, कपड़े से छान लेते हैं। चिट्टू बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उसमें आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गुदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों मिलकर ऐसी ही परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यह चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी सेंटीमीटर हो गई? तो 4 सेंटीमीटर तक आम पापड़ जो था वो तैयार हो गए। एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कैसे लगने लगी? तो सुनहरी बिछौनी की तरह। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। और चीनी बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। ठीक है, तो ये टोटल जो प्रोसेस है आम पापड़ बनाने के लिए, इसे आप नोट कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों के लिए है, पता करो और चर्चा करो, ये भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो बच्चों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हम क्या समझे, लास्ट में एक रिविजन जैसा दिया रहता है। शिष्यों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन दिया गया। अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? ठीक है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उनका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीज़ें बनते हैं। कुछ खाने की चीज़ों का नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए अलग अलग तरह के चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर लेसन हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।